ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, आप देख रहे हैं K2S न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुजरात चुनाव फर्स्ट फेज में 59.24% मतदान का अनुमान, पिछली बार से 10% कम वोटिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शाम 5 बजे पूरी हो गई। इस तरह 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। पहले चरण में करीब 59% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। हालांकि अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी है, क्योंकि मतदान कैंपस के अंदर मौजूद मतदाताओं की वोटिंग अभी जारी है। सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 42% मतदान हुआ, वहीं दक्षिणी गुजरात में 56% वोटिंग दर्ज की गई। इस तरह सौराष्ट्र में दक्षिणी गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई है। यहाँ के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी में ही 53.75% वोट पड़े हैं, बाकी के अन्य जिलों में अब तक 50% से भी कम वोटिंग हुई है। इस तरह पाटीदार क्षेत्र में कम मतदान के कैंडिडेट्स को असमंजस में डाल दिया है। उनमें से ज़्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि वोट प्रतिशत में भाजपा ज़्यादा पीछे नहीं है।